हेलो बच्चों, मैं सुनीता बैरवा, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी का पार्ट 11, जिसका नाम है नीति के दोहे। बच्चों, आज हम हमारा पार्ट शुरू करने से पहले हम देखेंगे उसका कवि परिचय और वो दोहे किस किसने लिखे हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में कुछ दोहे कबीर के हैं और कुछ दोहे रहीम के हैं। तो सबसे पहले हम कबीर का और रहीम का कवि परिचय देखते हैं। तो बच्चों, ये जो हैं ये कबीर जी हैं। तो जो कबीर जी हैं उनका पूरा नाम संत कबीरदास है। अन्य नाम इनको कबीरा भी बोलते हैं, यानी कि इनको दूसरे नाम से कबीरा भी कहते हैं। जन्म इनका सन 1398 लगभग में हुआ था। जन्मभूमि लहरतारा और ताल या काशी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1518 में लगभग, मतलब एजिट नहीं कहा है इसलिए लगभग बोला है बच्चों। पालक माता पिता नीरू और नीमा, ये इनके माता पिता का नाम है। इनकी पत्नी लोई और संतान कमाल, पुत्र था इनके और कमाली पुत्री थी। कबीरदास जी की कर्मभूमि काशी बनारस है। कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि थे ये। मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रमेनी। विषय सामाजिक। और ये जो थे ये भारतीय थे, इनकी नागरिकता भारतीय थी। जैसा कि बच्चों हमने देखा, हमारा पार्ट 11 नीति के दोहे, इसमें कुछ जो दोहे हैं वो कबीरदास जी के हैं और कुछ रहीम के हैं। हमने कवि कबीरदास जी का परिचय देख लिया, अब हम देखेंगे रहीम का परिचय। रहीम मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के कवि थे। वे कवि के साथ साथ एक अच्छा सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषीविद, कला प्रेमी, ज्योतिष व विद्वान थे। रहीम सांप्रदायिक सद्भाव तथा सभी धर्मों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। रहीम के बारे में यह कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। तो चलिए जानते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ जिसका नाम है नीति के दोहे, जो कि रहीम जी ने और कबीरदास जी ने लिखे हैं। हम उनके दोहों को पढ़ेंगे। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोए। तो कबीर जी कहते हैं कि जब मैं बुरा जो देखन मैं चला, कि जब मैं दुनिया में बुरा ढूंढने के लिए निकला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति ही नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोए, और जब मैंने अपने आप के अंदर झांक कर देखा तो मुझसे बुरा व्यक्ति मुझे कोई दिखाई नहीं। तो बच्चों, कबीरदास जी की इस दोहे का भावार्थ है कि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दूसरों की बुराइयों को ना देखें और हम अपनी ही बुराइयों को सुधार लें तो हमें किसी व्यक्ति में बुराई ही नज़र नहीं आएंगी। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैंने जब देखा दुनिया में कि कौन बुरा है तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा कोई दुनिया में है ही नहीं, और अगर मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँ, अपनी बुराइयों को समाप्त कर लूँ तो मुझे कोई और बुरा इंसान ही नज़र नहीं आएगा, यानी कि मुझे पूरी दुनिया ही अच्छी लगने लगेगी अगर मैं खुद को सुधार लूँ तो। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप री गोविंद दियो बताए। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद, यानी कि भगवान और गुरु, दो यानी कि दोनों ही खड़े हैं काके लागू पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान और मेरे गुरु, मेरे जो शिक्षक है जिन्होंने मुझे सिखाया है, वह दोनों ही खड़े हैं। अब मैं सबसे पहले पाऊँ किसके लगूँ, यानी कि मैं किसके चरणों को स्पर्श करूँ। बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। तो मुझे अगर ये ऐसा मौका मिला कि भगवान और गुरु, इसमें से मुझे किसी के चरण स्पर्श करने हो सबसे पहले, तो मैं गुरु के करूँगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताया है और मुझे वो मार्ग बताया जहाँ तक, जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूँ या भगवान को समझ सकूँ। तो कवि कहना चाहते हैं कि गुरु श्रेष्ठ होता है, हमें गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसके प्रति
मतलब उसके प्रति उसे सम्मान देना चाहिए, उसकी आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए उसे, वह सम्मान का हकदायक है। और सबसे पहले मतलब गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ है, और अगर गुरु और भगवान में से कबीरदास जी को सबसे पहले किसी के चरण स्पर्श करने का मौका मिले तो वह भगवान के ना करे, वह किसके चरण स्पर्श करे, गुरु के करे, क्योंकि उन गुरु ने ही उन्हें भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताया है और उनके दर्शन करने का या उनकी उनको समझने का रास्ता बताया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना देना कि मेरा कुटुम यानी कि जो मेरा परिवार है वो भूखा ना रहे, मतलब मुझे इस काबिल बना देना, मैं इतनी मेहनत कर सकूं और मुझे अपना इतना श्रम मिल सके कि मैं जो मेरा परिवार है मेरा जो कुटुम है उसमें उसको भूखा ना मरे, मतलब मैं उसका पालन पोषण कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और जो साधु होते हैं जो मतलब सज्जन व्यक्ति हैं, अगर वो कोई मेरे घर पे आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। कवि कहना चाहता है कि मैं इतनी ही कमाई करूं, मतलब मैं किसी और लालसा ना रखूं, मैं मेरी जो इच्छाएं हैं वो सीमित रहे, मैं इतनी ही सीमित रहे कि मैं खुद भी भूखा ना रहूं, अपने परिवार को भी पाल पोस सकूं, और जो साधु यानी कि जो आदर्शवादी या सज्जन व्यक्ति होते वो मेरे घर आए वो भूखा ना जाए, यानी कि मुझे मैं निराश ना हूँ कि मैं उन्हें खिला ना सका, तो मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं इतना कमाकर उनका पेट भर सकूँ। तो बच्चों हमने पढ़ लिया कबीरदास जी के दोहा, अब हम पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। बच्चों रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का यानी जो प्रेम है यानी कि जो प्यार है वो धागे के समान है, उसे मत तोड़ो। जिस तरीके धागे को हम झटके से तोड़ देते हैं तो प्रेम को एक झटके में मत तोड़ो, क्योंकि बच्चों हमें ना किसी से रिश्ता बनाने में प्रेम बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन कई बार होता है ना छोटी छोटी बातों की वजह से वह टूट जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो रिश्ता है वो धागे के समान है, उसे झटका देकर या अचानक से मत तोड़ो, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। और जिस प्रकार एक धागा होता है वो एकदम जिसको झटके से तोड़ देते हैं वह नहीं जुड़ सकता, और अगर वह जुड़ जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार मतलब प्रेम की रहीम जी ने किससे तुलना करी है, एक धागे से। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम को इस प्रकार झटके से मत तोड़ो, क्योंकि अगर वह टूट गया तो जुड़ नहीं पाएगा, और अगर वह जुड़ भी गया तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो कवि कहते हैं कि हमें मतलब रिश्तों को संभालना चाहिए, मतलब उन्हें झटके में नहीं तोड़ना चाहिए, जिस प्रकार धागा टूटने के बाद उसमें गांठ पड़ जाएगी उसी तरीके से अगर रिश्ता दोबारा जुड़ जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, वह पहले की तरह नहीं रहेगा। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। कवि कहते हैं कि बड़े जो महान लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते, और बड़े न बोले बोल वह कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, उनकी जो प्रशंसा होती है वो दूसरे व्यक्तियों के मुंह से होती है, और उनके अच्छे कार्य और अच्छे कर्मों की वजह से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा यानी कि उनकी बड़ाई करते हैं। जो बड़े महान लोग होते हैं वह कभी खुद की प्रशंसा नहीं करते, उनके अच्छे कार्यों की वजह से अच्छे सदाचारों की वजह से दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उनकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हीरा कभी यह नहीं कहता कि मैं इतना मूल्यवान हूँ या मेरा उतना मूल्य है, उसी प्रकार बड़े जो अच्छे या महान लोग होते हैं वे भी अपनी कभी बड़ाई नहीं करते, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं जिनमें मतलब ज्ञान कम होता है वही अपने मुंह से अपनी बड़ाइयाँ करते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं वो उनकी बुराइयाँ करते हैं, क्योंकि उनके सदाचार अच्छे नहीं होते और उनमें बहुत सारी कमियाँ होती है, लेकिन फिर भी वो उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तरुवर फल ने खाक है सर्वर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचिव संचयी सुजान। कवि कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते है कि वृक्ष हम फल नहीं खाता, जिस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि आम का जो वृक्ष होता है, आम का जो पेड़ होता है उस पर फल लगते हैं, लेकिन उन फलों को स्वयं आम का पेड़ नहीं खाता, उन्हें कौन खाता है, उन्हें हम खाते हैं। तो तरुवर फल नहीं खाते कि कोई भी वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खा सकता। सरोवर पिए न पान, और सरोवर यानी कि जो तालाब होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, तालाब एक प्रकार का तालाब जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, जो नदियाँ जो सरोवर होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उन्हें कौन पीता है, उन्हें हम पीते हैं। जिस प्रकार वृक्ष फल नहीं खाते, नदियाँ अपना सरोवर तालाब जो अपने पानी नहीं पीते उन्हें कौन उपयोग में लेता है, हम लेते हैं। उसी प्रकार
कह रही पर काज, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय करते हैं, यानी कि जो धन को संचय मतलब अपने पास इकट्ठा करके रहते हैं, संचय यानी कि इकट्ठा करते हैं, वो कुछ लोगों के भलाई के लिए करते हैं, जैसे गरीब लोगों की, जो अच्छे या महान व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाता और जिस प्रकार सरोवर अपने पानी नहीं पीता, तो कवि कहता है कि जो महान व्यक्ति है वो भी धन का संचय अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। तो कवि ने महान व्यक्तियों की तुलना किससे करी है? वृक्ष से, पेड़ से, और किससे? सरोवर से, जो कि अपने स्वार्थ न रखते हुए दूसरों का भला करते हैं। कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान, और वे क्या करते हैं? दूसरों के भले के लिए, भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं। जय गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। कवि कहते हैं कि जो लोग, जो सज्जन व्यक्ति गरीबों का भला करते हैं, असल में सज्जन और महान व्यक्ति वही है कि जो गरीबों की भलाई करे, उन्हें मतलब उन्हें दुख या पीड़ा ना दे, उनकी मदद करे, उनका हर तरीके से साथ दे, अगर कोई निम्न वर्ग का है तो उसके साथ भेदभाव ना करे। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा जी जो कि गरीब थे, उनको भी गरीब और कमजोर असहाय होने के बाद भी उनको अपनी मित्रता के काबिल समझा, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं, वही व्यक्ति है जो गरीबों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे और उनकी हमेशा भलाई करे और उनकी भलाई करने की सोचे अपना स्वार्थ न रखते हुए। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है हिंदी का पार्ट 11 नीति के दोहे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसके शब्द अर्थ। मिलिया यानी कि मिला, खोजा यानी कि खोजना, बलिहारी यानी कि न्योछावर, सर्वर यानी कि तालाब, संचय यानी संचय करते हैं या इकट्ठा करते हैं, परहित यानी दूसरों की भलाई, साई यानी ईश्वर या भगवान, कुटुंब यानी कुटुंब परिवार, साधु सज्जन, छिटका यानी झटका देकर। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पाठ नीति के दोहे। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।